उत्तर प्रदेश के जिला रामपुर के ओपल होटल में कुछ रसूखदार युवकों ने शराब पीकर तोड़फोड़ कर होटल कर्मियों से की मारपीट। वारदात होटल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर रसूखदार युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी। वारदात बीती रात का है। ओपल होटल के मैनेजर विकास कुमार राय ने बताया कि 6-7 लोगों का एक ग्रुप होटल में आया था। सनी शर्मा, अंकित जैन, विनायक आदि युवकों ने बार में शराब पीकर खाने का ऑर्डर किया। जब हमारा होटल कर्मी बिल लेकर गया तो उसके साथ गाली गलौज करने लगे। जब हमारा सिक्योरिटी ऑफिसर गया तो उसके साथ भी मारपीट की और अपने रसूख का गुणगान करने लगे। जब होटल के स्टाफ ने विरोध किया तो तमंचा लेकर मारने की धमकी देने लगे, जिसकी सूचना पुलिस को दे दी गई थी। पुलिस को आता देख सभी लोग वहां से फरार हो गए। बहरहाल पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं इस मामले में CEO सिटी NP सिंह ने मीडिया को बताया कि घटना CCTV में कैद हुई है, जिसके आधार पर सभी युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और कार्रवाई की जाएगी। रामपुर UP से आज़ाद TV न्यूज़ के लिए अभिषेक शर्मा की रिपोर्ट। बिल्कुल मांग दिया तूने हमसे, तो उसके बाद उसको मारा उन्होंने। उसके बाद हमारा सिक्योरिटी ऑफिसर आया, उसको भी उन्होंने बहुत मारा। और मारने के बाद फिर उसमें से दो लोग नीचे गए, बोले रुक जा अभी लेके आते हैं। उसके बाद वो नीचे से जाके एक रिवॉल्वर और पिस्टल लेके आया नीचे अपनी गाड़ी से। उसके बाद बोले सबको गोली मार दूंगा, कल से ही बार बंद करा दूंगा, मेरी औकात तुम लोग जानते नहीं हो, पुलिस की कोई औकात नहीं, कितना पैसा चाहिए तुम्हें, पैसा मैं दे रहा हूँ, ऐसे करने लगे। करके बाद उसके बाद आराम से वो लोग निकल गए। फिर हमने पुलिस को फोन किया, पुलिस के आने से पहले वो निकल चुके थे यहाँ से। अच्छा, ये घटना CCTV कैमरे में कैद हुई है? हाँ, CCTV में पूरा घटना कैद है। पुलिस ने देखा है उसको, खंगाला है? पुलिस को हमने CCTV की सारी फुटेज दे रखा है, FIR भी करा रखा हमने। ओपल होटल में बार चल रहा है, तो बार में कुछ लोगों ने आगे शराब वराब की सेवन किया है। उसके बाद किसी कारणों से कुछ नाराजगी व्यक्त की, उसमें जो है कुछ वेटर से मारपीट की घटना हुई है, कुछ हल्की फुल्की तोड़फोड़ की भी घटना सामने आई है। इस संबंध में CCTV फुटेज के आधार पर, गाड़ियों के नंबर के आधार पर मुकदमा कायम किया गया है।